इंदौर शहर में बिगड़ते यातायात को सुधारने के लिए सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। जिस तरह की स्वच्छता में इंदौर नंबर वन आया है, उसी तरह ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर वन लाना है, जिसको लेकर इंदौर शहर में जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी किए जा रहे हैं, जिसमें सांप सीढ़ी पजल व ट्रैफिक रथ में एक आर्टिस्ट भी है जो अपने गाने से लोगों में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता लाने के लिए अपील कर रहे हैं। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा माह सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को ट्रैफिक में जागरूकता लाने के लिए एक ट्रैफिक रथ चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक के नियम को बताया जा रहा है कि हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगाया जाए, स्टॉप लाइन का पालन करें, पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग से चलें, हॉर्न ज्यादा ना बजाएं, जब रेड सिग्नल हो तो गाड़ी ना निकालें, बगैर लाइसेंस के वाहन ना चलाएं, रॉन्ग साइड गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट का मुख्य कारण ही रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से होता है। वही जो लोग हेलमेट व ट्रैफिक के नियम का पालन कर रहे हैं, उनको गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक के नियम का पालन करने वालों को देखकर दूसरे लोग भी सीख ले और हम भी नियम का पालन करें। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है लोगों को? आज का जो हमारा विषय है वो रेड सिग्नल ऑन इंजन ऑफ। इसके पीछे ये उद्देश्य है कि जब हम रेड लाइट पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो सिग्नल जो है 1 से 1.5 मिनट का होता है, तो तब तक अगर हम अपना इंजन ऑफ कर लें तो उससे जो है दो प्रकार के प्रदूषणों से हम बच सकते हैं, एक वायु प्रदूषण भी और एक ध्वनि प्रदूषण भी। तो ये इसके पीछे जो है थीम रखी गई है कि ताकि जो है इससे फ्यूल कंजम्पशन भी बचेगा और हम थोड़ी देर के लिए शांत भी खड़े रहेंगे। जागरूकता के लिए सब कुछ इनाम भी दे रहा है, फूल भी दिया जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है सब। ये फूल जो है हम उनको दे रहे हैं जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है, उनको उत्साहवर्धन के लिए जो है फूल दे रहे हैं, और इसलिए भी दे रहे हैं ताकि जो दूसरे लोग नहीं लगाए हुए हैं वो ये देखें कि कैसे हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, और वो भी कल जो है अपने आप को सम्मान का पात्र बनाएं और हेलमेट लगा के चलें। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी आप संदेश दे रहे हैं? हाँ, किस तरह का संदेश है? हाँ, इसमें जो है नुक्कड़ नाटक भी जगह जगह पर किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर क्या दुर्घटनाएँ होती हैं, क्या उससे नुकसान होता है ये बता रहे हैं। सांप सीढ़ी का गेम है, उसमें भी बताते हैं हम कि कहां पर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं और आपको एक जो प्रतीकात्मक उसमें सांप होता है उससे आप फिर नीचे चले आते हैं। इसी प्रकार पजल है जिसमें जो है पूरे रोड संकेत हैं और जिसको आप लगाते हैं तो उससे एक जानकारी होती है। इसके अलावा ये जो वाहन है इसमें इंदौरी आर्टिस्ट हैं जो अपने गाने के साथ में जो है एक क्विज करते हैं ट्रैफिक से संबंधित, और जिसका जो आंसर सही देते हैं उनको कुछ उत्साहवर्धन के लिए हम उनको पारितोषिक भी देते हैं।